आज 13 दिसंबर है भारत की संसद पर आतंकी हमले की तारीख। आज से 15 साल पहले 13 दिसंबर 2001 को आतंकियों ने संसद भवन पर हमला कर दिया था। हमले में 7 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे और हमले में शामिल सभी आतंकियों को मार गिराया गया था। आज हमले की 15वीं बरसी पर संसद भवन में उन जांबाज शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, लेकिन दूसरी ओर आतंकी हमले की बरसी पर ही भारतीय संसद पर हमले की एक नई धमकी मिली है। यह धमकी है साइबर अटैक की धमकी। दुनिया भर में चर्चित हैकिंग ग्रुप लीजन ने भारतीय संसद की वेबसाइट हैक करने की धमकी दी है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट को दिए एक चैट इंटरव्यू में हैकर ग्रुप लीजन के एक सदस्य ने दावा किया है कि अब उनकी नजर संसद की सरकारी वेबसाइट sansad.nic.in पर है। यह वेबसाइट सरकारी कर्मचारियों को ईमेल सर्विसेज मुहैया कराती है। हैकर ने कहा है कि अगर निशाना sansad.nic.in होगी और यह काफी बड़ा निशाना होगा, इसमें कई बड़ी मछलियां हैं। आपको बताते हैं कि ग्रुप लीजन का क्या क्या दावा है। उसका अगला निशाना भारतीय संसद की वेबसाइट sansad.nic.in होगी, जबकि अपोलो अस्पताल के सर्वर तक भी ग्रुप के हैकर्स की पहुंच हो चुकी है। अपोलो अस्पताल चेन के बारे में भी लीजन को सब कुछ पता है। अपोलो अस्पताल में ही तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता भर्ती थी। लीजन के हैकर का कहना है कि इन सर्वर्स के आंकड़ों के खुलासे से भारत में हड़कंप मच सकता है। साथ ही लीजन ने भी दावा किया है कि भारतीय बैंकिंग सिस्टम की साइबर हमलों के निशाने पर है और लीजन ग्रुप के भारत के 40,000 से ज्यादा सर्वर हैक किए हैं। ग्रुप ने कहा है कि वो सही समय आने पर बीजेपी की वेबसाइट भी हैक करेगा। साथ ही ग्रुप ने पूर्व आईपीएल चेयरमैन ललित मोदी के निजी आंकड़े भी जारी करने की धमकी दी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और कारोबारी विजय माल्या का ट्विटर अकाउंट हैक करने वाले लीजन ग्रुप ने अब भारतीय संसद की वेबसाइट sansad.nic.in को हैक करने की धमकी दी है। ये वो वेबसाइट है जो सरकारी कर्मचारी ईमेल सर्विसेज मुहैया कराती है और साथ ही इस पर संसद से जुड़ी सारी जानकारियां मौजूद हैं। इसके हैक होने का मतलब है कि देश से जुड़े लाखों अहम दस्तावेजों की सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाएगा। साइबर एक्सपर्ट्स के मुताबिक आज की तारीख में हैकर्स तकनीकी रूप से इतने आगे हैं कि वो किसी भी कंप्यूटर या नेटवर्क को अपना निशाना बना सकते हैं। हैकर सिस्टम की सबसे कमजोर कड़ी पर अटैक करते हैं। आपका नेटवर्क है, उसकी साइबर सुरक्षा को आपको सशक्त करना पड़ेगा, क्योंकि हैकर जो है आपके सिस्टम के स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट को अटैक नहीं करता, जो सबसे कमजोर कड़ी होती है वहां पर आक्रमण होता है। तो हमें ये देखना होता है कि हमारे सिस्टम या नेटवर्क में कौन सा ऐसा बिंदु है जो सबसे कमजोर है, वहां पर उस बिंदु की साइबर सुरक्षा को आपको सशक्त बनाना पड़ेगा। साथ ही साथ एक बार ही केवल साइबर सुरक्षा कर ली और सोच ली हम सारे जिंदगी भर सुरक्षित हो गए, ये मानसिकता गलत है। हमें साइबर सुरक्षा को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना पड़ेगा। रोज आपको अपने नेटवर्क पर देखना पड़ेगा कोई अनावश्यक ट्रांजैक्शन है या नहीं है। जितने जागरूक आप रहेंगे, जितने सावधानी से, सूझबूझ और ड्यू डिलिजेंस से आप इस पर तवज्जो देंगे, उतना ही आपका भविष्य और आपका डेटा और नेटवर्क सुरक्षित रहेंगे। अब आपको बताते हैं राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल हैक करने वाले और संसद की वेबसाइट हैक करने की धमकी देने वाला लीजन ग्रुप क्या है और इस ग्रुप में कौन कौन है। दुनिया का चर्चित हैकर ग्रुप है लीजन। लीजन बेहद प्रभावशाली हैकर ग्रुप है और भारत समेत कहीं भी साइबर अटैक को अंजाम दे सकता है। ग्रुप के हैकर अमेरिका, स्वीडन, कनाडा, थाईलैंड और रोमानिया में सक्रिय हैं। ये अपनी हैकिंग गतिविधियों को बढ़ाना चाहता है। ग्रुप ईमेल आईडी legion_group@singai.org पर इस्तेमाल करता है। दरअसल अमेरिका में लीजन ऑफ ड्रूम LOD नाम का एक चर्चित हैकर ग्रुप था। LOD हैकर ग्रुप की स्थापना लेक्स लूथर ने की थी और LOD 1990 के दशक से 2000 के शुरुआती दशक तक सक्रिय था। LOD को अब तक का सबसे ज्यादा प्रभावशाली हैकिंग ग्रुप माना जाता है। लीजन अमेरिका के लीजन ऑफ ड्रूम से प्रभावित है या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। लीजन ग्रुप का या दूसरे हैकर ऐसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं जो किसी भी सर्विलांस से बाहर होते हैं और यही वजह है कि उन तक पहुंचना बेहद मुश्किल होता है। पहले तो उनको पकड़ना मुश्किल है और अब जो लेटेस्ट हैकर की धमकी आई है, वो धमकी इसलिए आई है क्योंकि वो हैकर्स इतने ज्यादा
कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि वो डार्कनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और डार्कनेट को नॉर्मली एक्सेस करना, उसको इन्वेस्टिगेट करना बड़े बड़े लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का भी काम नहीं होता। क्यों? क्योंकि डार्कनेट आपकी पहचान को लगभग 10 पर्दों के पीछे छुपा देता है और क्योंकि आपको ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए साइबर क्रिमिनल्स का आजकल बड़ा फेवरेट प्लेटफॉर्म हो गया है। लीजन ग्रुप के हैकर्स कैसे काम करते हैं ये भी आपको बताते हैं। लीजन ऐसे ईमेल सर्वर या ब्राउजर के जरिए संपर्क करता है जो निगरानी से सुरक्षित होते हैं। लीजन के हैकर्स गूगल क्रोम या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर का इस्तेमाल करते हैं। इनसे ये हैकिंग करने के लिए इस तरह के किसी भी चीज का इस्तेमाल ये नहीं करते हैं। लीजन के हैकर्स द ओरिजिनल रूट TOR का इस्तेमाल करते हैं। TOR के जरिए होने वाले संवाद को ट्रैक करना मुश्किल है। TOR से हैकर सीधे एक दूसरे के साथ संवाद स्थापित करते हैं। इस तरह के संवाद को डार्कनेट भी कहा जाता है और आमतौर पर डार्कनेट का इस्तेमाल पत्रकार करते हैं।